शुक्लं ब्रह्म विचर सर परमा माद्याम जगद व्यापिने वेणा पुस्तक धारिणे मवयदा जाल्यांधकार पहाम हस्ते स्फाटिकमालिका विदधते पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धि प्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः होकार आदि में ओकार उच्चारण के लिए है और लण में ओकार केवल उच्चारण के लिए नहीं है, इस संज्ञा के लिए भी है ना? क्योंकि लण में जो ओकार है वो अनासिक अच है कि नहीं, तो उसमें इस संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? उपदेशे जो नासिक इति, कितने पद है इसमें सूत्र में? कितने पद है? चार पद है। दूसरा पद क्या है? अच्छा ना, चकार है। पहले चकार था अच, चकार को क्या हुआ? चोक होना चाहिए था, पदांत है ना। यहाँ पर जो है कुत्व नहीं होना, ये स्पष्टता के लिए है, अथवा आर्ष प्रयोग कर लो। क्या यहाँ पर कुत्व न होना आर्ष प्रयोग है? लिख कर रखो, लघु पढ़ते समय उतनी बुद्धि कहाँ चलती है। चकार को कुत्व न होना आर्ष प्रयोग है, ठीक है? चकार को कुत्तो न होना आर्ष प्रयोग है, ठीक। इसी प्रकार से ये जो है ना, पहले अच में चकार था, चकार को कुत्तो न होना, कुत्तो न होना आर्ष प्रयोग है, ठीक है। कुत्तो जी हो जाता ना, क्या होता है? ककार हो जाता ना, चकार को ककार हो जाता है, फिर जलाम जसंत से ककार हो जाता, फिर समझ में आया, ठीक। इसी प्रकार से जो वृत्ति है ना, वृत्ति पढ़ो क्या है? उपदेशे, उपदेशे अनासिको अच। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो अच में चकार था, चकार को है जकार हुआ, कुत्तो नहीं हुआ ना, तो वृत्ति में भी जो कुत्तो नहीं हुआ, ये तो सूत्र नहीं है, ये स्पष्टता के लिए। वृत्ति में चकार को कुत्तो न होना आपको नहीं मिला, कहाँ ढूंढ रहे हैं विष्णु जी? 10 नंबर पृष्ठ है। वृत्ति में अच के चकार को कुत्तो न होना, ये क्या है? नहीं, ये सूत्र थोड़ी है वृत्ति, ये स्पष्टता के लिए लिख कर रखो। वृत्ति में चकार को कुत्तो न होना स्पष्टता के लिए, ठीक है। आओ आओ आगे आ जाए, इधर है जगह बहुत है। इधर आ जाइए, इधर तो है जगह।
ठीक है, बैठो, आगे बढ़ा जाए। प्रतिज्ञानो नासिक क्या है पाणिनि यः, पढ़ो। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा शब्द आया, इसमें दिया है ना तत्वबोधिनी में 11 नंबर पेज पर, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु है, यहाँ पर कर्मणि अंग, कर्म में अंग प्रत्यय हुआ, आतश्च उपसर्गे से अंग प्रत्यय होता है, दो सूत्र है आतश्च उपसर्गे एक क प्रत्यय करता है, अंग प्रत्यय करता है, ठीक है। अब बताओ ये लघु पढ़े नहीं है, ये अब सिद्धांत कुमति सुनेगी, क्या समझेगी ये सुन लो भाई आतश्च उपसर्ग इति कर्मणि अंग, क्या सूत्र है बोलो, वो कर्मणि अंग सूत्र नहीं है, सूत्र केवल आतश्च उपसर्ग, आतश्च उपसर्ग सूत्र से कर्म में अंग प्रत्यय हुआ, कर्म मतलब विषय जिसकी प्रतिज्ञा की जाएगी उसको कहते हैं कर्म, प्रतिज्ञा का विषय, प्रतिज्ञा का विषय को कहा जाएगा कर्म। तो ऐसा अर्थ में अंग प्रत्यय कर दिया है, तो ये प्रतिज्ञा शब्द हुआ, मतलब प्रतिज्ञा का विषय, प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ क्या हुआ, प्रतिज्ञा का विषय। कौन है ऐसा, तो वृत्ति में दिए हैं औनासिक्य, तो वहाँ पर दिया औनासिकस्य भाव इति औनासिक्यम, औनासिक शब्द से सही प्रत्यय हुआ, प्रत्यय में दिया है, देखो गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ये सूत्र है, बोलो सूत्र, फिर बोले, इस सूत्र से भाव अर्थ में सही प्रत्यय किया औनासिक शब्द से, और औनासिक का धर्म होगा औनासिक क्या हुआ। फिर बहुवरी समास कर लिया, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम ये शाम इति विग्रह, ये विग्रह कर देंगे, प्रतिज्ञा नासिका का विग्रह किया बहुवरी समास, औनासिक जो वर्ण है उसका जो धर्म होगा अनुनासिक क्या है ना, उसकी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा क्या अर्थ हुआ, प्रतिज्ञा का विषय मतलब प्रतिज्ञायते, सुनते हो, प्रतिज्ञा का अर्थ हो गया प्रतिज्ञायते, लिख कर रखो कल पूछेंगे तो फिर भूल जाओगे, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हुआ, प्रतिज्ञायते, नहीं एकदम स्पष्ट करके पढ़ो, स्पष्टता से पढ़नी चाहिए, प्रतिज्ञा का अर्थ हुआ प्रतिज्ञायते, ठीक है। तो प्रतिज्ञायते अनुनासिक्यम ये शाम ते प्रतिज्ञानो नासिक्याः, हुआ है कि नहीं, प्रतिज्ञायते, प्रतिज्ञा का अर्थ होगा प्रतिज्ञायते, प्रतिज्ञायते अनुनासिक्यम ये शाम ते प्रतिज्ञानो नासिक्याः, हुआ कि नहीं, मतलब अनुनासिक्य धर्म प्रतिज्ञा की जाती है जिसके वह उसको कहेंगे प्रतिज्ञा नासिक्य, बहुवचन में प्रतिज्ञा नासिक्या है, वह मतलब अन्य पदार्थ कौन होगा, अन्य पदार्थ शिष्य होगा, तो शिष्य में अनुनासिक का धर्म रहेगा कैसे रहेगा, धर्म तो वर्ण में रहेगा, वर्ण होता अनुनासिक, अनुनासिक का धर्म अनुनासिक क्या, तो अनुनासिक कहाँ रहेगा, अनुनासिक में रहेगा कि व्यक्ति में रहेगा, तो अनुनासिक में रहेगा, मनुष्यत्व मनुष्य में रहेगा कि पत्थर में रहेगा, मनुष्य में रहेगा, इसी प्रकार से अन्य पदार्थ तो वर्ण है कि नहीं, शिष्य कैसे होगा ये विचार हम करेंगे, रुको
ठीक है, तो पाणी नहीं आहा अर्थ भी आया है ना, तो पाणी नहीं का अर्थ देखते हैं। हाँ, तो सबसे नीचे दिया है, पर सबसे पहले नीचे दिया ना, हाँ उसको तो बाद में करेंगे। हाँ, तो पाणिनि यहाँ जानते हैं क्या होता है? पाणिनि के शिष्य को पाणिनि या बोलेंगे क्या? पाणिनि के शिष्य को क्या बोलेंगे? सबसे नीचे दिया है, देखो सबसे नीचे पहले देते हैं। हैं, हाँ एक मिनट बता दो। सबसे नीचे दिया है ना, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम वृद्धा छह मिला, सबसे सबसे नीचे पाणिनि के द्वारा जो कहा गया है उसको कहेंगे पाणिनीय, है ना। छह प्रत्यय हुआ तो पाणिनीय शब्द बन गया, तो पाणिनीय कौन हुए? नहीं, कहाँ शिष्य बोले? पाणिनि के द्वारा जो कहा गया मतलब शास्त्र हुआ, वर्ण हो गया, अष्टाध्याय ले लो और क्या है, ठीक है। तद अधीयते विदंती वा पाणिनीय, उसको हैं जो पढ़ते हैं अथवा जानते हैं, मतलब शिष्य हो गए, है ना। हाँ, तदाधीते तदवेदवा, एक नहीं सूत्र, पन्ना पढ़ दो, पन्ना पढ़ दो टीका में। तदाधीते इति अण, अण प्रत्यय कर दिया पाणिनीय शब्द से, है। फिर एक सूत्र है देखो, प्रोक्ता लुक, ये सूत्र है बोलो। हाँ, पाणिनि के द्वारा जो कहा गया उससे पहले जो अण प्रत्यय हुआ उसका क्या हुआ? लुक हो गया, तो शब्द तो पाणिनि ही रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, ये अष्टाध्याय में है, आपके लोगों में सूत्र नहीं है, प्रोक्ता लुक। तो पाणिनि का अर्थ हो गया शिष्य, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो विचार नहीं किया है, तो पाणिनि के जो शिष्य है उसमें तो धर्म रहेगा नहीं क्या? उसमें धर्म नहीं रहेगा ना, कौन सा धर्म? अनाशिक का धर्म तो वर्ण में रहेगा, है कि नहीं? इस लेकिन पाणिनि के शिष्य के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान का विषय हो जाएगा अनाशिक के धर्म, इसलिए विषयता संबंध से उनके ज्ञान में रहेंगे, समझ में? ऐसा समाधान यहाँ पर समझना चाहिए, सुनते हो? ठीक है, पाणिनि शिष्य के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय हो जाएगा क्या? अनाशिक, इसलिए विषयता संबंध से रहेगा, ठीक है ना। ऐसा विचार यहाँ पर करना चाहिए, है ना। समाधान समझ में आया? पाणिनि के शिष्य में तो अनाशिक का धर्म रहेगा नहीं, लेकिन विषयता संबंध से रह जाएगा, समझ में कि नहीं आया? अच्छा, और देखो टीका में सबसे पहले छूट गया है, केचित तो प्रतिज्ञानम प्रतिज्ञा, ऐसा किया, प्रतिज्ञानम प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ हो गया प्रतिज्ञान, है ना, प्रतिज्ञान मतलब सा अस्य अस्ति इति प्रतिज्ञम, और सादिभ्य अच कर दिया, और सादिभ्य अच सूत्र है ना। हाँ, प्रतिज्ञा जिसकी हो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिज्ञा, ठीक है ना। फिर क्या होगा फिर आगे? प्रतिज्ञम अवनाशिकम है ऐसा मिति विघ्नती, कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले अर्षादि भी अच कर दिया फिर बहुवरी समाज कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी अपेक्षा से ऐसा करना अच्छा है, जो सबसे नीचे जो दिया ना पाणिनप्रोक्तम। अच्छा, यद्यपि सूत्रकार कृतो अनाशिक पाठ इदानीं परिभ्रष्ट, ये देखो अयुण से लेकर के हल पर्यंत कहीं अनाशिक चिन्ह है? नहीं है, नहीं ना है, आप कहते तो लण में अकार अनाशिक है, शंका यहाँ पर मन रही है, अकार आदि में अकार अनाशिक नहीं है और लण में अकार अनाशिक है कि नहीं? तो बोलते हैं फिर भी आजकल के कुछ आचार्य लोग करते भी है ना, अनाशिक का उच्चारण करते हैं, लिखते भी है, इससे अनुमान करना चाहिए कि पहले भी अनाशिक था, पहले भी था,
ये मानना चाहिए। ये टीकाकार बोल रहे हैं, यद्यपि सूत्रकार कृतो औनासिक पाठ इदानीं परिभ्रष्ट, सूत्रकार के द्वारा किया गया औनासिक पाठ, बहुत सूत्र में कई की पुरानी पुस्तक में मिलती है, पुरानी पुस्तक में औनासिक चिन्ह मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, बहुत पुरानी छपी हो तो है कि नहीं। यद्यपि सूत्रकार ने जो औनासिक पाठ किया था, इदानीम परिभ्रष्ट अभी नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता पुस्तकों में है ना, फिर भी तथापि वृत्तिकारादि व्यवहार बलिन, कुछ आचार्य लोग तो किए हैं, काशिकाकार है, महाभाष्यकार तो है, तो पहले है वृत्तिकार आदि जो है महावाष्य की टीका आदि में यथा कार्यम प्राकृत, ऐसा कार्य किया गया है, कैसा कार्य, औनासिक पाठ, लवण में अकार औनासिक है कि नहीं, इति प्राकृत इति अनुमति, पहले भी औनासिक धर्म था, कहाँ पर, लवण के अकार इत्यादि में, हो गया कि नहीं हो गया, इति भाव, ऐसा समझना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो लवण में अकार अनासिक हुआ, अनासिक होने से क्या हुआ, स्वरूप चेतन जी, लवण में अकार की संज्ञा अनासिक होने से इस संज्ञा होगी, हाँ वो तो बाद में होगी, पहले इस संज्ञा की है, किससे, उपदेश है जो अनासिक इस सूत्र से लवण में अकार की इस संज्ञा हुई, ठीक है भाई। अच्छा तो उसका फल हो गया प्रत्याहार, र प्रत्यार होगा, उसका प्रत्यार र प्रत्यार होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, मूल में देखो, मूल मतलब कहाँ, मूल में 10 नंबर पेज सबसे ऊपर होता है मूल, मोटे मोटे अक्षर में और बीच में एक टीका है बाल मुद्रा, वो तो सरल है, आप खुद भी देख सकते हो, जान जरूरत है हमें बता देंगे। लण इति सूत्रस्था वर्णिना सह, बोलो, उच्चार्यमाणो रेपो रलयो संज्ञा, तो उसमें दिया है कि प्रतिज्ञानाशिका पाणिना के ऊपर बलर में दिया ना, प्रतिज्ञा अनाशिकम ये सामते प्रतिज्ञानाशिका पाणिनी शिष्य, इतना ही दे दिया है ना, तो कैसे रहेगा पाणिनी शिष्य में, ये सब नहीं दिया है। शिष्य परंपराया शास्त्र कृतम तथा विधम उच्चारणम इदानीम तनानाम सुगमम इति यावत, ये स्पष्टता भी किया है, शिष्य की परंपरा से है ना, शास्त्रकारों ने इस प्रकार उच्चारण किया है, अकार आदि में उकार, अकार आदि में अकार उच्चारण के लिए है, औनासिक न होने से अल्लण में अकार औनासिक है ना, केवल उच्चारण के लिए नहीं है, इस संज्ञा के लिए, ठीक है, इसे परंपरा से समझना पड़ता है, ओके कि नहीं। अच्छा मूल में लण सूत्रस्थ कहा, लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्था, उसको कहें लण सूत्रस्थ, लण सूत्र में जो कौन है, ओ है क्या जी, सुपिस्थ, तो सूत्रस्थ अवर्णिना सह है कि नहीं, सूत्र में जो अ है, लण सूत्र में अ है ना, लकार उत्तरवृत्ति अ, उसके साथ उच्चार्य माणो रेपो, रेप कहाँ पर है, हयवरट में, हयवरट में रेप हो गया, हयवरट आगे लण, लण का अ को रखो, अब पूर्व में किसको, हयवरट का रेप को रखो, जोड़ दिया तो क्या बन गया, र बन गया, ठीक है, ये संज्ञा है, र हो गया संज्ञा, और संज्ञी बोलते हैं रलयो हो, र और ल, र और ल की संज्ञा क्या हुई, र र क्या, हो गए, र हो गया, र प्रत्याहारी संज्ञा है, र और ल संज्ञी है,
इतना आया। अच्छा आगे फिर विचार करते हैं, देखो टीका में दिया। तो ननु रलयोर इति नूनम, र प्रत्यार में कितना वर्ण ले रहे हो, दो वर्ण र और ल, बीच में टकार भी तो आया, अवरट का टकार भी आया। टकार आने के कारण दो वर्णों को आपने लिया, ये तो कम लिया है ना, कम ले लिया आपने, उसका बेचारा क्या गलती किया, बीच में जो आया ट अवरट का टकार नहीं रोएगा, वो रोएगा ना। घर में तीन पुत्र है मान लीजिए, अरे एक पुत्र को छोड़ दिया आपने, दो पुत्रों को ले लिया, तो ये तो नियम नहीं हुआ। ये जो रह लो को लिया, बीज में क्या आया था, टकार आया था, ऐसा ले लो, बीज वाले पुत्र को छोड़ दिया, बड़े को छोटे को ले लिया, बीज वाले को छोड़ दिया कि नहीं, दोष हुआ कि नहीं हुआ। नून हो गया ना ये, ननु रलयो इति नूनम, नून मतलब क्या, कम, क्यों, टकार से आप ही मध्य गत्व, टकार भी तो बीज में है, भैया भरट टकार आ गया। ठीक है, इसका उत्तर देते हैं, मूल में दिया, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, बोलो प्रत्याहार में ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, आदि का होता है और मध्य में सबका होता है, अंतिम का जो बीच में हो जाए अंतिम में हो, ईद वर्णों का ग्रहण प्रत्याहार में मतलब संज्ञा में नहीं होता है, ये बोलते हैं। अच्छा, तो बोलते हैं, इसमें क्या प्रमाण है कि प्रत्याहार में ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, तो मूल में ही लिखा है गया नंबर पृष्ठ में, देखो औनाशिक इत्यादि निर्देशा, पढ़ो औनाशिक शब्द आया, उपदेशे जो नासिक इत है ना, तो इसमें जो है अनुनासिक क से पहले कौन सा वर्ण है, इकार है, ठीक है, और ककार किस माहेश्वर सूत्र में आया, इत डिल्टिक में आया, ठीक है, तो ककार यदि प्रत्याहार में ग्रहण करते तो अच प्रत्याहार में ककार आया कि नहीं आया, आ गया ना, है ना, अ से लेकर के अयोज तो जाएगा, अच्छा अच प्रत्याहार आ गया है कि नहीं, ईद वर्णों का यदि ग्रहण कर लेते तो अच प्रत्यय में कितने वर्ण होते हैं? बताओ, समझ करके बोलिए। बिना समझे बोल रहे हैं, तेरह, हाँ देखो क्या क्या है बताओ, ना तो आते ही है, कितना ज्यादा, कौन कौन ज्यादा होते हो तो बताओ, एक हाँ आप बोलो, चार हो गए, नौ चार तेरह हुआ, फिर तेरह और नहीं कोई बताइए, बोमा चेतन जी तेरह और कुछ नहीं, अल्लण में आकर हाँ आगे चला गया, हाँ आगे चला गया, हाँ वो तो हो हाइब्रट, हाँ वो आगे चला गया, वो नहीं आएगा, ठीक है, तो कितने आएंगे, नौ चार, हाँ चार ही तो है, चार ही वर्ण है, चार सूत्र में चार ही है, तो नौ चार तेरह हो जाते हैं, ठीक है, तो तेरह का तो ककार आ गया कि नहीं आ गया, ड्रिल्ड्रिक में आ गया, आ गया, तो इत्यादि निर्देशात, यदि हो जाता ककार और प्रत्यार में तो क्या सूत्र लगता है अनासिका में, ई को क्या हो जाता है बताओ, ई को यण जैसे यण आदेश हो जाता है, लेकिन महर्षि पाणिनि ने अनासिका शब्द का प्रयोग किया है, इससे ज्ञापित होता है कि प्रत्याहार में ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होगा, इत्यादि आदि शब्द दिया, बाल मुद्रा में दिया है आदि ना त्रिषि मृषि कृषे काश्यपस्य, यहाँ पर भी देखो। तो त्रिषि मृषि, मृषि में ई है ना, और पर में क्या है ककार, यहाँ पर भी कौन ची हो जाता कि नहीं, है ना, इस प्रकार बहुत ले लो और क्या, ठीक है,
और का में क है, ये भी औच में आ जाता, आगे आ है, यहाँ पर भी क्या हो जाता फिर, औच सब क्या बोलते हैं, अकसा वना जो भी हो ये सब लग जाता है। ऐसा ले लो। और क्या, और तत्वबुधने में दिया है आदि शब्द न पापाणी के कुशित ही, ये सूत्र है ना। तो पापाण के, पापाण के का ए ए, और आगे क्या है, कुशित का कु, कु का ककार, तो ककार औच में आ जाता तो के एकार को क्या आदेश होता है, किस सूत्र से, एच युवा या वो आदेश हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाए, ऐसा है। और आगे देखो, एंग पदांतात अति सूत्र है, तो गोकार किस महेश्वर सूत्र में आया, एओं, ये भी औच में आ जाता है, तो गोकार औच में आ गया, तो गोकार के पूर्व में क्या बनना है, ए है, क्या सूत्र लगता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एच ओ जवा या वो लग जाता है कि नहीं, ये सब ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए महाभाष्यकार ने कहा, महाभाष्यकार का एक श्लोक है, प्रत्याहारो न बंधानाम, नहीं है टीका में लिख लो, प्रत्याहारे न बंधानाम, प्रत्याहारे नो बंधानाम अवग्रह रहेगा, प्रत्याहारे नो बंधानाम कथम कथम च ग्रहणे सुना, है ना, ठीक है। हाँ, ग्रहणे सुना, आगे आचारात प्रधानत्वात हो गया, रुको शुरू से लिखो, प्रत्याहारे नु बंधानम कथम अच ग्रहणे सुना, मौक पूरा कर लो, कथम अच ग्रहणे सुना, प्रश्न हो गया ये, कथम अच ग्रहणे सुना, ठीक है। उत्तरार्ध लिखो, आचारात अप्रधानत्वात, विच्छेद करके बोल रहा हूँ, द पूरा हो जाएगा, आचारात अप्रधानत्वात लोपश्च बलवत्तरः, लोपश्च बलवत्तरः, हो गया, श्लोक है, सुम दीर्घ क्यों होगा, हर्षो है, सप्तमी बहुवचन है, बोल देखो, बोलता हूँ, प्रत्याहारे नु बंधानाम, बोलिए, कथम अच ग्रहणे सुना, आचाराद प्रधानत्वात, राद प्रधान, आचाराद प्रधानत्वात लोपश्च बलवत्तर, पढ़िए पूरा एक साथ, ठीक है। प्रश्न ये है इस श्लोक का, देखो अर्थ, प्रत्याहार में अनुबंध का ग्रहण क्यों नहीं होगा, है ना, कथम अज ग्रहणे सुना है कि अज ग्रहण में जो है प्रत्याहार, इसे अज प्रत्याहार हो गया ना, अज प्रत्याहार में अनुबंध है कि नहीं, अनुबंध है, चार अनुबंध हो गए, चार हुआ, इसी प्रकार से हवरण इत्यादि में है ना, हल आगे प्रत्याहार होगा ना, हल इत्यादि वहाँ पर भी आया कि नहीं आया, आया, वहाँ पर भी अनुबंध है, तो उसका ग्रहण क्यों नहीं होगा, ये समाधान दिया है श्लोक में, देखिए, आचारात हेतु हो गया पंचमंत, क्या दिया है, आचारात मतलब शिष्टों का आचरण, उच्चारण, आचार मतलब क्या, यहाँ पर वो खाने का आचार नहीं बोल रहे हैं,
आचार शिष्टों का उच्चारण रूपी जो आचार है ना, जैसे महर्षि पाणिनि ने उच्चारण किया है, कैसा उच्चारण किया, अनुनासिक किया कि नहीं उच्चारण, हाँ त्रिषि मृषि कृषि है एक पदांतात अति, ये सब दिया है ना, यही है यहाँ पर आचार लेना है। ठीक है, शिष्टों का उच्चारण जो शब्द है, ठीक है, उसको आचार ले लो, एक हेतु हो गया। दूसरा है अप्रधानत्वात्, दूसरा क्या है अप्रधानत्व, जैसे प्रत्याहार करना आपको, जैसे अच प्रत्याहार हुआ, अच प्रत्याहार हुआ है ना, तो अच में दो वर्ण है कि नहीं, दो वर्ण है, एक आदि वर्ण हो गया और दूसरा क्या है अंत्य वर्ण हो गया है ना, तो बीच में मध्यगा नाम कह दिया, क्या कह दिया, मध्यगा नाम कह दिया, ठीक है, मध्यगा में ई ऊ ये सब है मध्यगा है कि नहीं मध्यगा, और बीच में और क्या है, ईद वर्ण भी है कि नहीं, लेकिन सूत्र में जो है आदिर अंतेना सहिता, जो ईद वर्ण हो गया अप्रधान, क्या हुआ सहयुक्त प्रधान है, सहयुक्त प्रधान वो हो गया अप्रधान, सुनते हो, हाँ, और बाकी वर्ण क्या हो गए, क्या है प्रधान, बाकी वर्ण क्या हो गए प्रधान, प्रधाना प्रधानयो हो कार्य संप्रत्यय हो, ये नियम है, प्रधान हो और अप्रधान हो है कि नहीं, तो वहाँ पर प्रधान में ही कार्य होता है, अप्रधान में नहीं होता है, इसलिए प्रधाना प्रधान सन्निधौ, एक नियम है लिखो, प्रधाना प्रधान सन्निधौ प्रधानम एव कार्याणाम प्रयोजक, हो गया, प्रधानम एव, प्रधानम एव कार्य प्रयोजक, कार्याणाम प्रयोजक, हो गया, क्या लिखा है, प्रधानमेव प्रधाना प्रधान सन्निधौ है कि नहीं, प्रधानम एव कार्याणाम प्रयोजक, प्रयोजकम कर दो, प्रधानमेव कार्याणाम प्रयोजकम, नपुंसक लिंग हो जाएगा ना, लिखा क्या लिखा भूमा चतुर्जी, प्रयोजकम है ना, प्रधान हो और अप्रधान हो इनकी सन्निधि में कार्य का प्रयोजक कौन होगा, प्रधान होता है, अप्रधान नहीं होता है, ठीक है, इसलिए प्रत्याहार करना है, प्रत्याहार में किस वर्ण का गण होगा, यही तो प्रश्न चल रहा है कि नहीं, तो जो प्रधान है ना उसका गण होगा, अप्रधान का नहीं, ईत वर्ण अप्रधान हो गया उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा है ना, हाँ, इसलिए दूसरा हेतु हो गया अप्रधानत्व, ये ईद वर्ण अप्रधान हुआ, इसलिए ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होगा प्रत्याहार में। तीसरा दिया है लोपश्च बलवत्तर, क्या दिया है लोपश्च बलवत्तर, जैसे कह दिया अच प्रत्याहार करना है, क्या करना है अच प्रत्याहार करना है, सुनते हो, तब बीच में आया ईद वर्ण का भी आया, क्या आया अयोण में नकार है ऋलिक में ककार है, सुनते हो, हाँ उसका ग्रहण प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ कि नहीं प्रत्याहार, किस सूत्र से आदिरंतेना सहिता सूत्र से है, संगी में उसका प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ है ना, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, मध्यगा नाम बोलता है, और तस्य लोप से लोप भी प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, किसका अणकार इत्यादि का है ना, सूत्र है ना, इसलिए हलंत्यम सूत्र से है इस संज्ञा तो होगी ही, और तस्य लोप से लोप भी प्राप्त हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए नित्य विधि हो जाएगी आधिरंत न सहिता, ये क्या बोल तस्य लोप, तस्य लोप क्या हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, नित्य सुनते हो, क्या हो जाएगी नित्य विधि हो जाएगी, और नित्य विधि बलवान होती, कृता कृता प्रसंगी यो विधि सनित्य विधि, हाँ सुनते हो, प्रत्यार कर भी लिया आपने तब भी लोप हो जाएगा, ईद संज्ञा का ईद वर्णों का क्या होगा लोप हो जाएगा है ना, इसलिए महावश्यकार कहते हैं
लोपश्च बलवत्तर, ये लोप नित्य विधि होने से बलवान होगा, ये सामान्य है, सुनते हो? हाँ, कौन? ये आपके आदिरंतन सहित, आदिरंतन सहित, इसलिए तस्य लोप से लोप हो जाएगा, लोप होने के कारण ईद बनने का कारण नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बोलते हैं, इसलिए तीन हेतु के कारण प्रत्याहार में ईद बनने का ग्रहण नहीं होगा। अच्छा, आगे चलो, तत्व बोधने में थोड़ा देख लो। प्रत्याहार शब्देन प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति प्रत्याहारः, ये प्रत्याहार शब्द का हुआ है ना, जहाँ पर वर्णों के वर्ण संक्षिप्त होते, संक्षेप किया जाता है, लंबे थे ना बहुत सारे, हाँ, जैसे औच में कितने वर्ण आते हैं? नौ, नौ को एक शब्द में संग्रहित कर दिया ना, किस शब्द में? औच, औच में ही सबका अंतर्भाव हो गया कि नहीं हो गया? नौ का हो गया, फिर नौ वर्णों का संक्षेप हुआ किस शब्द में? औच शब्द में हो गया, औच में तो दो वर्ण है कि नहीं, और इसमें संगी में तो नौ वर्ण है, तो नौ वर्ण जो संगी है उसका संक्षेप कहाँ पर हुआ? अच्छा, दो शब्द में हो गया, मान लो दो वर्णों में हुआ नौ वर्णों का, इसलिए अच को कहते हैं प्रत्याहार, ये सब ठीक है। कर्णाधिकर्णयश्च इति, प्रत्याहार शब्द कैसे बनेगा ये बोल रहे हैं तत्वबोधिनी में, कर्णाधिकर्णयश्च इति लूटी प्राप्त है ना, लूट प्राप्त होता है, प्रत्याहार शब्द में लूट प्राप्त हो गया है ना। कृत्य लूटो बहुलमिति, बहुल ग्रहणात अधिकरण घय, लेकिन यहाँ पर घय प्रत्यय करना है, क्या करना है? हाँ, घय प्रत्यय करना है, ठीक है, बहुल ग्रहण से अधिकरण में घय कर लो, क्या? हाँ, अधिकरण से घय कर लो, सुनते हो भाई? तो प्रत्याहार हो जाएगा। मतलब जिस अधिकरण में अनेक वर्णों का संक्षेप किया जाएगा, इसलिए नौ वर्णों का अधिकरण कौन हो गया? अच्छा, हो गया नौ वर्णों का अधिकरण, संक्षेप किया ना, तो कहाँ पर संक्षेप किया? अच में किया है कि नहीं, इसलिए अच को कहेंगे प्रत्याहार, ऐसा तात्पर्य हुआ। यद्यपि योग मात्रम, क्या लिखते हैं, योग मात्र मकारादि संज्ञासु अति प्रसंगतम है ना, योग मात्रम अकारादि संज्ञासु करो, योग मात्रम है अकारादि संज्ञासु अति प्रसंगतम है। देखो क्या बोलते हैं, आपने कह दिया प्रत्याहार, जहाँ पर संक्षेप किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार कहेंगे, ठीक है, ऐसा तो कहा आपने, ऐसी व्युत्पत्ति कर दिया आपने है ना। तो कहते हैं कि देखो, ये अ एक संज्ञा है कि नहीं, बताओ, अ संज्ञा है, और कितने की संज्ञा होती है? अठारह की संज्ञा होती है, अणदिस सवर्णस्य चा प्रत्यय, व्याकरण पूछेंगे अ क्या है तो क्या बोलोगे? अ क्या है? संज्ञा है, ठीक है। आ क्या है? हाँ, संज्ञा नहीं है आ। ई संज्ञा है, ई, हाँ, दीर्घ जो इकार है ना वो संज्ञा नहीं है, अ है संज्ञा, ई संज्ञा है, नहीं अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, तो अठारह प्रकार के जो अ है उसका संक्षेप अ में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो अप्रत्यार है, कहाँ अप्रत्यार होते है? अप्रत्यार किस सूत्र से होते हैं? लेकिन प्रत्याहार तो नहीं कहा जाता अ को, तो अतिव्याप्ति होगी नहीं होगी? क्या आपने जो ऐसा अर्थ किया, प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यते यत्र इति प्रत्याहार, तो अठारह का भी संक्षेप हो रहा है अ में, तो अ को प्रत्याहार थोड़ी कहते हैं, तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं, ऐसा जो आपने अर्थ किया है ना, यही यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसी शंका होती है जब बुद्धि कभी सोच नहीं सकते। इसलिए क्या अति प्रसक्तम बोल दिया ना, अकारादि संज्ञासु, असंज्ञा, ई संज्ञा है कि नहीं,
इत्यादि संज्ञा में अति प्रसक्तम, तो अतिव्याप्ति हो गई क्योंकि उसको प्रत्यय नहीं कहा जाता है। तथापि योग रूढ़ी रीति भाव, ये प्रत्यय है ना, ये तो यौगिक भी है और रूढ़ भी है। यौगिक तो है लेकिन रूढ़ शब्द लेना है, रूढ़ शब्द लेने से क्या होगा, अ को प्रत्यय नहीं कहा जाएगा। क्या नहीं कहा जाएगा? हाँ नहीं कहा जाएगा, सुनते हो, ऐसे कह दिया रूढ़ी कह दिया ना। केवल यौगिक होते तो अ भी हो जाता प्रत्यय, लेकिन रूढ़ शब्द लेना है, ठीक है। अच्छा आगे क्या अभी मूल में देखो, अनाशिक हो गया ना, अनाशिक निर्देशात नहीं अत्र ककारे परे अच कार्यम दृश्यते, छूट गया था क्या? ये अनाशिक जो था मूल में, अत्र ककारे परे, ककार परे रहते सी के इकार को अच कार्य हुआ इकोण से, अच कार्य मतलब क्या है, यण संधि ले लो और क्या है ना, ककार परे रहते यदि कार्य करोगे तो अच कार्य हो गया ना, मतलब अच निमित्तक कार्य, अच कार्य मतलब क्या, अच निमित्तक जो कार्य है मतलब असंधि है ना, ये तो नहीं देखी जाती है ना, तो क्या बन जाता, अनुनाशक्य, अनुनाशक्य हो जाता फिर, नाश्यक हो जाता, नाश्यक। अच्छा आदिरंतेन इत्येत सूत्रण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते, है ना भाई, प्रत्याहार क्या चीज है, प्रत्याहार से इताम न गणम बोल दिया ना, प्रत्याहार क्या चीज है, तो बहुत लोग बोलते हैं प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार प्रत्याहार बोलते हैं कि प्रत्याहार है क्या। आदिरंतेन इत्येत सूत्रण कृताः, आदिरंतेन सेता सूत्र से प्रत्याहार शब्द बनता है, जो संज्ञा होती है आदिरंतेन संहिता सूत्र क्या कहता है, संज्ञा कहता है, आदिरंतेन संहिता क्या कहता है, संज्ञा कहता है कि संज्ञी कहता है, संज्ञा को बोलता है। अंतिम इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण होगा वो क्या होगा, संज्ञा होता है, बराबर है। तो उसी संज्ञा को व्याकरण में प्रत्यार शब्द से कहते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, समझ में आया, मतलब इसका क्या हुआ, सबको प्रत्यय नहीं कहा जाएगा, हाँ केवल रूढ़ी नहीं योग भी हुआ, योगारूढ़ हो गया, योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है, इसलिए स्पष्ट कर दिया मूल कारण है, मतलब सबको प्रत्यय नहीं कहा जाएगा संक्षेप होने पर भी, ये तात्पर्य हुआ ना, कहीं संक्षेप हो जाता हो तब भी उसको प्रत्यय नहीं कहेंगे, जैसे अ ई उ, ठीक है, अ ई उ जो संज्ञा है आदिरंतेन संहिता सूत्र से होता है क्या, किससे होता है, हाँ इसलिए आदिरंतेन संहिता सूत्र से जो संज्ञा होती है उसी को प्रत्यार शब्द से कहते हैं, हो गया। उसके बाद सूत्र आता है, उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ, इसको पहले थोड़ा कर लेता हूँ, हालांकि बालरमा भी बात आई है, योग रूढ़ की बात आ गई, तो इसमें दिया है, तत्र वर्ण समामनाय सूत्रेण पूर्वेण न कारण एक प्रत्याहार, स्पष्टता दिया है बालरमा, देखो 11 नंबर पृष्ठ में दिया है ना, पहला इस संज्ञा कौन है, अयुणु में णकार, ये दिया है, देखो णकार ईद वर्णों को लेकर के एक प्रत्यय होगा, कितने प्रत्यय होंगे, नहीं मिला आप लोगों, मिला तो अन प्रत्यय होगा, है ना, ये दिया है बालराम में, देखो दिया है अन एक प्रत्यय, ककारण त्रय रिल में ककार है, उससे तीन प्रत्यय को लेने हैं, अक एक और ओक, है ना, हाँ ये सब ध्यान रखना है, किस प्रत्यय में कितने वर्ण आएंगे सब ध्यान रखना चाहिए, कल पूछेंगे, तैयार करना चाहिए। और गकारण एक एंग, गकार कहाँ पर आया, एंग एंग में आया, गकार को लेकर एक ही प्रत्यय लेना है, एंग होगा। आज चकार कहाँ पर आया, अयोच में, चकारण चतुआरा, चार प्रत्यय को लेना है, अच
ईच एच और एच कह दिया है ना। ऐसा कहा टकार न एक अट हजार में टकार आ गया, उसको एक ही प्रत्यार होगा, कौन सा अट होगा, अट होगा, इट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहाँ पर इट इट होता है, इट वो आगम है अयुण का ई ले लो, हवेड़ का टकार नहीं होगा, इट प्रत्यय उसका प्रयोग नहीं होगा ना प्रयोजन भी तो होना चाहिए, केवल संज्ञा करना थोड़ी हो जाएगा इसलिए यहाँ पर स्पष्टता के लिए दिया है। प्रत्यय कुछ भी बना लेंगे तो प्रयोग कहाँ होता है, जब प्रयोग जब नहीं होगा तो प्रत्यय क्यों करना है फिजुल की बुद्धि लगानी है। तो टकार एक अट टकार से एक ही प्रत्यय होगा, अट होगा, ठीक है। परिणाम आगे कहा भाई, परण नकारण त्रय, जो परण नकार होता है लण कारण अणकार, और तीन प्रत्यय होंगे अण ईण और यण हो जाएंगे, ठीक है। मकारण चतवार, मकार को लेकर के चार प्रत्यय होते हैं अम यम अम आगे गम, ये है यकारण, यकार कहाँ पर आया झवय में आया, एक यई अतो दीर्घ यहीं आता है, सकारणा दौ, सकार कहाँ पर आया घड़ाधस है ना, नहीं नहीं घड़ाधस तो है जब घड़ाधस तो अलग हो गया है ना, घड़ाधस में आया सकारणा दौ झस और हस, ठीक है। हाँ कल तैयार करिएगा ये प्रत्यार किस सूत्र में है, ये सब तैयार करिएगा, क्या कल का अभ्यास करना, ये जितने प्रत्यार है किस किस सूत्र में है, कम से कम एक सूत्र तो बताना, तो याद रखोगे तब तो बताओगे और कौन सा प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो गिनोगे ऐसे करके तो कैसे होगा, मालूम तो रहना चाहिए। सकारणा षठ, सकार कहाँ पर आया जवागढ़ दस में आ गया, छः प्रत्यार हो जाएंगे अस हस बस झस जस वश, नहीं बकारणा एक, बकार कहाँ पर आया छब में आया, छब है ना, चट तब में आया, चट तब में आया, हाँ हाँ ख प छट बकारण एक अच्छा भाग गया, यकारण पाँच, यकार कहाँ पर आया कपय में आ गया, पाँच होते हैं यय मय झय खय चय, रेफेण पाँच, रेप कहाँ पर आया ससर अंत में है ना, यर झर खर चर सर, ठीक है। लकारणा सठ, हाँ देखो अल प्रत्यय होता है हल बल रल झल सल, ठीक है ना, ऐसा कह दिया, बस इतना रखता हूँ, कल फिर विचार करेंगे। ओम नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार उद्धर्त काम सनकादि सिद्ध नैतद्विमर्शे शिव सूत्रय।